हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कल के व्लॉग में आप सब ने देखा था कि हम हावड़ा स्टेशन आ चुके हैं एंड अभी ट्रेन में भी बैठ गए हैं। अभी हमारा ट्रेन तो रवाना दे चुका है, गंतव्य स्थल है गुवाहाटी। तो ये व्लॉग पूरा आज का जर्नी मैं शूट किया था मैंने, सो वही आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे शाम का टाइम होने वाला था तो मम्मी ने कहा चाय पीते हैं, तो मम्मी अकेली पिएगी इसीलिए मैंने भी मम्मी का साथ दे दिया। तो ये देखो हम दोनों एंजॉय कर रहे हैं चाय। किस किस को पसंद है ट्रेन में जर्नी करना मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि मुझे पर्सनली ट्रेन में जर्नी करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इससे हम बाहर का इतना सुंदर प्यारा नज़ारा देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। प्लेन में क्या होता है, बैठते हैं और जल्दी से ख़त्म हो जाता है जर्नी, फील ही नहीं होता है। सो अगर आपको घूमने जाना है या फिर लॉन्ग किसी दूर जगह जाना है घूमने के लिए पर्पस से, तो मैं प्रेफर करूँगी ट्रेन जर्नी, क्योंकि ट्रेन जर्नी में आप बहुत सारी नए नए जगह देख सकते हो जाते हुए। सबसे ज़्यादा तो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है ट्रेन में, आपका क्या मानना है मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पे देखो बारिश का टाइम था तो इसीलिए बारिश भी स्टार्ट हो गया था और मैंने आपके लिए इसलिए पूरा जर्नी थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्ड किया है। तो अगर आपको अच्छा लगता है मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने आप सबके लिए, ताकि आप सबको पसंद आए इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो पूरा जर्नी ही मैंने ऐसे ही छोटा छोटा करके शूट करके रखा है। तो सबसे पहला स्टेशन था बर्दवान, हम सबसे पहले स्टेशन में अभी पहुंचने वाले हैं। सो देखते देखते देखो हम बर्दवान स्टेशन में आ पहुँचे हैं। बाहर का जो नज़ारा है वो अभी अंधेरे में बदल रहा है, तो बाहर का तो मैंने और कुछ शूट नहीं किया है। अभी उसके बाद डायरेक्टली हम मिलते हैं रात के खाने में, जो कि मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर कर लिया था ऑनलाइन से ही, क्योंकि क्या बोलिए तो IRCTC का जो खाना है वो बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता है खाने में, और हमारे साथ तो मेरा बेटा भी था इसीलिए हमने कोई रिस्क नहीं लिया, खाना ऑर्डर कर लिया और खा लिया। उसके बाद बेड को अरेंज किया और बेड को अरेंज करने के बाद सो गए थे हम। तो एक बात मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो हम दोनों को ही लोअर बर्थ मिला है, बट एक्चुअली भी मेरी मम्मी को लोअर बर्थ मिला था और मुझे खोप छोड़ के तीन चार सीट पहले हमें एक सीट मिला था जो कि अपर था, अपर बर्थ था, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। और यहाँ पे मम्मी के जो कोच के अंदर, मतलब इस स्पेस के अंदर कोई भी नहीं था, तो हमने अच्छे से एंजॉय किया। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, बिस्किट खा रही हूँ। अभी जो आप बाहर का नज़ारा दे सकते हो वो है बोंगाईगांव स्टेशन, बोंगाईगांव से कामाख्या, कामाख्या से गुवाहाटी। तो ये देखो मैं रेडी भी हो चुकी हूँ, क्योंकि अभी गुवाहाटी हम पहुँचने ही वाले हैं। सो आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अगर ऐसे ही वीडियोज़ आपको
पसंद आते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और भी मज़ेदार वीडियोस मैं अभी अपलोड करने वाली हूँ। तो चलो, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे आप पहाड़ माउंटेन को भी एंजॉय कर सकते हो, और इतना सुंदर सीनरी है ना, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आप सबको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, एकदम मतलब पेंटिंग किया हुआ जैसा लग रहा था, है ना। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय।